अब जेन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शाओ को क्या हुआ था, उसका मूड क्यों ऑफ था। तो इसका रीज़न वो जब जेंगशी से पूछता है तो जेंगशी बताता है कि शायद उसका पीरियड टाइम आया होगा, इसीलिए उसका मूड खींचा खींचा सा है। अगले दिन जेंग जब शाओ से मिलने जाता है, वो देखता है शाओ का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। जेंग जब शाओ से पूछता है क्या वो अभी तक उससे नाराज़ है, पर क्यों, तब शाओ कहती है पहली बात तो वो अब उनका दोस्त नहीं रहा, और दूसरी बात उसकी वजह से उसकी सीढ़ी टूट गई थी। जेंग कहता है इसमें उसकी गलती कहाँ, ये तो उसकी वजह से ही टूट गई थी। तब शाओ कहती है हाँ तो ये भी तो उसी की वजह से हुआ था, क्योंकि वो जो उस लड़की से बात कर रहा था वही देखने गई थी और वो नीचे गिर के वो सीढ़ी टूट गई, और आजकल तो वो उसी लड़की के साथ हैंग आउट पे जाता है, उनके साथ तो वो टाइम स्पेंड ही नहीं करता। तब जाके जेंग को समझ में आता है कि शाओ की नाराज़गी का असली रीज़न क्या था। वैसे जेंग ऑलरेडी वही सीडी कैसेट शाओ के लिए लेके आया था जो गलती से टूट गई थी। शाओ के पूछने पे जेंग बताता है कि अभी तो उसने कहा था कि उसकी वजह से वो सीडी कैसेट टूट गई थी, तो कॉम्पेंसेशन के तौर पे वो उसी के लिए ये सीडी कैसेट लेके आया, और वैसे भी खाली हाथ अगर वो उसकी मॉम की बर्थडे पार्टी पे जाएगी तो वो अच्छा नहीं दिखेगा ना। इसके बाद शाओ के चेहरे पे हंसी खिल उठती है। अगली सीन में हम देखते हैं सभी दोस्त मिलके अपनी अपनी तरफ से जेंग की मॉम को उनका बर्थडे गिफ्ट देते हैं, और शाओ का दिया हुआ गिफ्ट उन्हें बहुत पसंद आती है। सभी ने अपनी अपनी तरफ से गिफ्ट दे तो दिया था, पर जेंग अभी तक अपनी मॉम को कोई गिफ्ट नहीं दी थी, क्योंकि उसे एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज देना था अपनी मॉम को। थोड़ी देर बाद जेंग इतने दिनों से जिस सीनियर लड़की से बात कर रहा था, वही सीनियर लड़की आके स्टेज पे गाना गाना शुरू करती है, और स्पेशली जेंग की मॉम के लिए ये सरप्राइज था, और उन्हें ये सरप्राइज बहुत पसंद आती है। पर शाओ ना बहुत बुरा फील कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जेंग की वो गर्लफ्रेंड थी और वो इतनी टैलेंटेड थी कि जेंग की मॉम के बर्थडे पार्टी पे वो गाना गा रही थी, इसीलिए वो ये सब सोच के अपना मूड खराब कर रही थी। पर जब उसे पता चलता है कि जेंग बस इसी सरप्राइज के लिए अपने सीनियर से इतने दिनों तक मिल रहा था, बात कर रहा था, तब उसके चेहरे पे हंसी खिल उठती है, और वो बहुत एंजॉय करके वो प्रोग्राम देखती है, मतलब उस सीनियर का गाना सुनती है। अगले दिन स्कूल में एग्जाम होता है और सभी बच्चे मन लगा के अपना एग्जाम देते हैं। बाद में जब इनके बीच मैथ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन होती है, तब शाओ कहती है उसका एग्जाम बहुत अच्छा गया था, उसने सारे क्वेश्चन अटेंड की थी और उसे मौका भी मिला था सारे क्वेश्चन का आंसर चेक करने की। तब सभी उसके तरफ चौंकने की नज़रिया से देखते हैं, मतलब उनके लिए बहुत सारा क्वेश्चन था, तो सारे क्वेश्चन अटेंड करके दोबारा उसे चेक करना ये तो इम्पॉसिबल था, इतना टाइम बचा ही नहीं था किसी के पास। जेंग को तब थोड़ा डाउट होता है और वो जेंगशी से पूछता है कि लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा था। जेंगशी जब बताता है कि लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा था, तब शाओ को लगता है कि जेंगशी को मतलब कुछ पता नहीं है, वो गलत कह रहा है, लेकिन बाद में लिन शी भी जेंगशी के बात से एग्री करती है। जेंगशी कहता है शाओ जिस क्वेश्चन की बात कर रही थी उसके बाद भी चार और क्वेश्चन थे। फिर तो शाओ जो अपने आप को लेके प्राउड फील कर रही थी, वो सारी प्राउडनेस चली जाती है। सिचुएशन की गहराइयां देख के ये दोनों जल्दी जल्दी वहां से कट लेते हैं। बाद में ये दोनों शाओ का मूड ठीक करने के लिए खाना ऑर्डर देने की बात करते हैं, पर शाओ का मूड कुछ ठीक नहीं था तो उसे कुछ भी नहीं खाने थे। वो बस चाहती थी कि उसका पेपर फिर से वापस लाया जाए और वो अच्छे से अपना आंसर दे सके। जंक्शी तब कहता है ये करना तो पॉसिबल नहीं है, पर हाँ पेपर छुड़ाया जरूर जा सकता है। शाओ तब जल्दी से अपनी आंसू पोंछ लेती है, उसे ना ये वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा था, पर जेंग इस आइडिया से टोटली डिसएग्री करता था। जेंग इस बात को लेके सीरियस से देख के शाओ उसे तो बताती है कि वो इस बात को सीरियसली नहीं ले रही थी, उसे ये पेपर चुराने वाली बात इतनी अच्छी नहीं लगी, वो इस बात से सीरियस नहीं है, और जेंगशी को भी इस बात के लिए मना करती है कि वो इस बारे में मत सोचे, पर इशारे से वो जेंगशी को समझा देती है कि वो उसके आइडिया से एग्री करती है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जेंग को वहां से हटाना जरूरी था।
जेंग को दिखा कि वो दोनों जल्दी से पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं ताकि जेंग ये देख के चला जाए वहाँ से। जब फिर भी वो नहीं जा रहा था तो शाओ उसे ज़बरदस्ती वहाँ से भगा देती है। जेंग के जाने के बाद ये दोनों बैठे बैठे प्लान बनाते हैं कि कब क्या और कैसे होगा। अगले दिन वीकेंड की छुट्टी थी तो दोनों बड़े सावधानी से स्कूल के अंदर आते हैं और ऑफिस के खिड़की से दोनों अंदर जाते हैं। फिर दोनों मिलके शाओ का पेपर ढूंढते हैं और शाओ को अपना पेपर मिल भी जाता है। फिर शाओ बैठे बैठे अपना पेपर पूरा कर रही होती है और जेंगशी खिड़की के बाहर कोई आ रहा है या नहीं उसके पहरेदारी में लगा था। वहाँ गार्ड्स को भी अभी राउंड पे निकलना था। गार्ड के देखने से पहले ही दोनों टेबल के पीछे छुप जाते हैं। फिर गार्ड जब दरवाज़ा खोल के अंदर आते हैं तब ये दोनों एक दूसरे के मुंह पे एक दूसरे का हाथ रखते हैं। दोनों आज पकड़े ही जाते पर एंड वक्त पे जेंग आ जाता है उन्हें बचाने। लाइब्रेरी से किताब लेने के बहाने वो गार्ड को अपने साथ लेके जाता है पर इस बीच शाओ के इतने करीब आने पे जेंगशी को शायद कुछ कुछ होने लगा था। पूरा रास्ता जेंगशी इतने साइलेंट मोड में चल रहा था कि ये बात शाओ की नज़र में भी आती है। वो जब उससे पूछती है कि वो इतना साइलेंट क्यों चल रहा है, कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, तब जेंगशी जल्दी से घर की तरफ भागता है। रस्ते में शाओ की मुलाकात जेंग से हो जाती है। शाओ को ये नहीं पता था कि जेंग को ऑलरेडी उनके कारनामों के बारे में पता था। अब जब शाओ देखती है कि जेंग को पता ही चल गया तो शाओ कहती है कि वो दोनों वहाँ गए तो थे पर उन्होंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा था कि ये सब करना ठीक नहीं है, अगर पकड़े जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक्चुअली कुछ भी नहीं किया तो क्या किया, वो तो कर ही रही थी ना। वो गार्ड अचानक से चले आते हैं इसलिए उनको मौका नहीं मिला था वो सब करने की। पर जेंग की नज़र में अच्छा रहने के लिए शाओ ये सब बताती है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। शाओ के मन में ये डर भी था कि जेंग कहीं किसी को बता ना दे उनके इस कारनामे के बारे में, इसलिए वो उसे इस बात को सीक्रेट ही रखने के लिए बोलती है। वहाँ जेंगशी की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब थी। स्कूल के बाद से उसे हर जगह बस शाओ ही नज़र आ रही थी। बेचारे को समझ में भी नहीं आ रहा था कि उसे हर जगह शाओ क्यों दिखाई दे रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ की मॉम को पिछले कई दिनों से पेट में दर्द हो रही थी। वो देख के भी इस बात को अनदेखा कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी मॉम को जिस तरह की प्रॉब्लम हुई थी और जिस वजह से उस बीमारी की वजह से उनकी मॉम की मौत हो गई थी तो शायद उन्हें भी उसी तरह की बीमारी हो लग चुकी है और जिस वजह से वो भी शायद कुछ ही दिनों की मेहमान हो सकती है। और यही सोच के उन्होंने अपने पति और बेटी के लिए इतनी सारी खाने की आइटम की बंदोबस्त की थी। शाओ और उसके पापा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इसीलिए वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख के इशारे से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बात क्या है, क्योंकि इतने सालों में इन दोनों ने इस तरह की सिचुएशन को कभी फेस नहीं किया था। उसकी मॉम ने कभी भी उनके लिए इतना सारा खाना नहीं पकाया था। इस बात से उन्हें अच्छा भी लग रहा था और डर भी लग रहा था। ख़ास करके शाओ बहुत डर रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं एग्ज़ाम के बारे में उसके मॉम को पता तो नहीं चल गया और वो उसे इतना सारा खाना कहीं आखिरी बार के लिए तो नहीं खिला रही है और इसके बाद शायद वो उसे घर से निकाल देने वाली है। बाद में उन्हें पता चलता है कि शाओ की मॉम ने इतने सारे खाना ऑर्डर की थी। शाओ की मॉम ना इस तरह से इतनी सॉफ्ट होके कभी भी उनसे बात नहीं करती थी, इसीलिए दोनों ही घबरा रहे थे और डर डर के अपना खाना खा रहे थे। बाद में उसकी मॉम उसके लिए दूध भी लेके आती है और उसे ये भी बताती है कि अगली बार से ना उसे रिजल्ट के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी को बस एंजॉय करना सीखे वो और कम से कम जितना हो सके वो पढ़ाई करे, पास हो जाए, इतना ही काफ़ी है। तब शाओ के मन में बस यही चल रहा था कि क्या उसके मॉम को उसके एग्ज़ाम के बारे में पता चल गया, नहीं तो वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी।
अगले सीन में हम देखते हैं शाओ के पापा अंदर आके शाओ की मॉम को इस तरह से देख के उन्हें लगता है कि शायद आज उनकी पत्नी का थोड़ा मूड हुआ है रोमांस करने का, इसीलिए वो जल्दी से दरवाज़ा खिड़की बंद कर देते हैं। पर उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी अज्यूम कर रही थी कि वो भी अपनी मॉम की तरह जल्दी ही मरने वाली है। उन्हें तो डॉक्टर के पास जाने में भी डर लग रहा था कि कहीं डॉक्टर इस बात को सामने से आके ना बोले। फिर वो रोने लगती है और उनके पति उन्हें संभालने लगते हैं। वो भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो अगले दिन ही उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की बात करते हैं। अगले दिन ये दोनों जब डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल रहे थे तब बाकी बच्चों के पेरेंट्स भी उनके साथ जाने के लिए आ गए थे। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ के पापा बड़े सीरियस होके रिपोर्ट्स लेके आते हैं, पर बाद में सबको पता चलता है कि शाओ की मॉम को कोई बीमारी नहीं थी बल्कि खुशखबरी थी, क्योंकि शाओ की मॉम प्रेग्नेंट थी।